प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गोरखपुर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा का जायजा लिया और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की। इस संबंध में सीओ एलआईयू और सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया कि आगामी दिन में होने वाले प्रधानमंत्री के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग की जा रही है। इसमें सभी चौकी इंचार्ज व थाना प्रभारी और डॉग स्क्वाड एलआईयू की टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर संदिग्ध लोगों के पाए जाने की आशंका है वहां चेकिंग की जा रही है। रेलवे परिसर, होटल, ढाबा, सिटी मॉल एरिया, इस प्रकार विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जा रही है। कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई घटना करना चाहता है तो उस पर हम नियंत्रण कर सकें और लोगों को भी लगे कि हम एक सफल कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ एलआईयू और सीओ कैंट प्रभात राय ने कहा, देवरिया विजिट करेंगे महाराजगंज बाद में अभी मेरे पास 103 है। ऊपर रूम है आपके? किलो पर दे दीजिए। लिस्ट ले लो। कोई रूम नंबर दे दीजिए। लिस्ट ले लो। एक बार पूरा चेक करना है। कोई नहीं बनाना पाकिस्तान के लिए गलत है और चेक करना है। ये आज होटल में दिया बाकी और आज 104 भी देखना था। देख लिया। चलिए नहीं सर, जब पानी भेजे हम बोले हम पहले बोल दिया जल्दी से मतकी बहुत चेक करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है 24 तारीख को, उसको लेकर देखा जा रहा है। होटलों की आकस्मिक चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति रुका हुआ हो, जो लोग कब से रुके हुए हैं, किस आशय से रुके हुए हैं, क्या उद्देश्य उनका है। इसके अलावा कोई संदिग्ध चीज़ कहीं न हो, ये सिर्फ होटलों की चेकिंग नहीं की जा रही, इसके अलावा जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ की बड़ी सघन चेकिंग की जा रही है। दोनों मीटिंग की जा रही है और आसपास इसके अलावा जो ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग छिप सकते हैं उन स्थानों की चेकिंग की जा रही है।
ये आगामी दिन में होने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए ये चेकिंग की जा रही है। इसमें सारे चौकी इंचार्ज हमारे और इंस्पेक्टर प्रभारी थाना प्रभारी और CUL IU सर की टीम और डॉग स्क्वाड सभी लोगों को लेकर के टीम बना करके चेकिंग की जा रही है शहर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे संदिग्ध लोगों के पाए जाने की संभावना रहती है, रेलवे परिसर में और होटल ढाबा सिटी मॉल एरिया और इस प्रकार सब जगह चेकिंग की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है घटना को यदि रोकना चाह रहा है तो उसको मतलब हम लोग रोक सकें, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकें और ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम साबित हो और लोगों को भी एहसास हो कि एक सुरक्षित माहौल में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।